हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज का यूनिट तीन के एमसीयू सी कराऊंगा जिसमें जो यूनिट थ्री का नाम है मेजर इकोसिस्टम नाउ क्वेश्चन नंबर वन द फॉरेस्ट वेर कोल्ड रीजन विद हाई रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्गली सीजनल क्लाइमेट्स विद लॉन्ग विंटर्स एंड फेयरली शॉर्ट समर्स आर मोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट डेसीडोज फॉरेस्ट टेम्परेट एवर ग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इन चार के ऑप्शनस है तो सबसे पहले मैं बोरियल कॉनीफारेस्ट फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगा बोरियल बोरियोनीफॉरेस्ट कौन सा होता है ये कोल्ड रीजन है हाई रेनफॉलॉल है तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक लग रही है इसके अकॉर्डिंगली टेम्परेट डेसीडोस फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे टेम्परेच डेसी फॉरेस्ट में मॉडरेट क्लाइमेट होता है तो ये नहीं हो सकता टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेडिटेनर क्लाइमेट होता है वो भी नहीं हो सकता सो फोर्थ इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे टेम्परेट जो रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर कोल्ड एंड हाई रेनफॉल कोल्ड है टेम्परेचर ठंडा है और हाई रेनफॉल है तो ये भी नहीं हो सकता सो ए इज द करेक्ट आंसर बोरियल कॉनिफाइनस फॉरेस्ट नाउ नंबर टू पर आइए द फॉरेस्ट विच अकर इन मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज करेक्टराइज बाय वार्म ड्राई समर्स एंड कूल मॉइस विंटर्स तो यहां पर सीधा पहले आ गया मेडिटेन टाइप तो अगर टेम्परेट डेसीडोज फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे तो टेम्परेट डेसी डेसीडोस फॉरेस्ट में कोल्ड रीजन होता है हाई रेनफॉल है लॉन्ग विंटर और शॉर्ट समर्स हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखेंगे तो मेडिटेनिन क्लाइमेट है तो ये तो बिल्कुल लग रहा है इससे रिलेटेड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे तो उसमें कोल्ड एंड हाई रेनफॉल होता है तो वो नहीं हो सकता और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर जो कंसीडर करेंगे तो दैट इज़ नियर इक्वेटर आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इसका जो फॉरेस्ट मेडिटेन क्लाइमेट है तो इसका आंसर है टेम्परेट एवरग्रीन यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में आता equator, equator, है द फॉरेस्ट विच अकर नियर द इक्वेटर कि जो फॉरेस्ट नियर द इक्वेटर मैंने अभी बताया नियर द इक्वेटर कौन सा करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो इसमें अगर सीधा देखेंगे तो जहां पे ट्रॉपिकल इक्वेटर आ गया तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो सी इज द करेक्ट आंसर एकदम डायरेक्ट आप देखते ही बता सकते हैं बिकॉज जहां पे इक्वेटर आया तो उसमें सीधा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा सी इज द करेक्ट आंसर अब आ जाइए द फॉरेस्ट विच अकर इन रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई बट सेग्रीगेटेड इंटू प्रोनाउंसड वेट एंड ड्राई पीरियड्स के यहां पर रेनफॉल तो बहुत हाई है बट सेग्रीगेटेड इंटू प्रनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स तो सबसे बोरियल कॉनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में बताएंगे कॉनी फॉरेस्ट में कोल्ड रीजन है हाई रेनफॉल है एंड लॉन्ग विंटर है तो ये नहीं हो सकता दूसरा है ट्रॉपिकल सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो नियर इक्वेटर इक्वेटर होता है तो ये भी नहीं हो सकता तीसरा टेम्परेट डेसीडोज फॉरेस्ट टेम्परेट डेसीडोज फॉरेस्ट में अगर देखेंगे तो मॉडरेट क्लाइमेट है यानी कि ना ज्यादा बरसात ना ज्यादा गर्मी तो ये भी नहीं हो सकता ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट की बात करेंगे जो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है उसके अंदर रेनफॉल हाई बट सेग्रीगेटेड इन टू वेल एंड ड्राई पीरियड्स रेनफॉल हाई है बट से तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक करिए तो डी इज द करेक्ट आंसर अब आ जाइए द रीजन ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर कि यहां पर विंटर और समर में लेस टेम्परेचर डिफरेंस है ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट इज कॉल्ड अब इसमें लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देंगे तो नियर इक्वेटर होना चाहिए टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत हाई है एक्सी टू सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकता टेम्परेट डेसीडोस फॉरेस्ट में देखिए कोल्ड रीजन है हाई रेनफॉल है और लॉन्ग विंटर है शॉर्ट समर्स ये भी नहीं हो सकता ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में अगर देखिए अगर ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर है रेनफॉल हाई बट सेग्रीगेटेड इनटू वेट एंड ड्राई पीरियड्स ये भी नहीं हो सकता सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो हाई रेनफॉल है बट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर इज़ लेस टेम्परेचर तो डी इज़ द करेक्ट आंसर Forage in the steppe grassland is provided during the following season. और सवाना इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो दो डिफरेंस है स्टेपीज में जो फॉरेज है यानी जो चारा है वो सिर्फ वेट सीजन में मिलता है और जो सवाना है उसमें जो चारा है वो वेट सीजन एज वेल एज इन ड्राई सीजन दोनों में मिलता है तो जस्ट लुकिंग दिस ड्राई सीजन में नहीं हो सकता वेट सीजन येस दिस इज स्प्रिंग एंड समर नहीं हो सकता कोल्ड से नहीं तो बी इज द करेक्ट आंसर वेट सीजन में ही मिलता है स्टेपी के अंदर जो आ, चारा है फॉरेज है तो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में द फॉरेज इन द सबाना ग्रास लैंड इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग सीजन

ब्रैकिश वॉटर द सॉल्ट कंटेंट इज जीरोस देन पॉइंट फाइव परसेंट बिटवीन पॉइंट फाइव टू वन परसेंट और बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सेलाइन वाटर तो अगर आप देखेंगे जो ब्रैकिश वाटर है उसमें जो सॅल्ट कंटेंट है बिटवीन फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर इन दोनों के बीच का होता है यानी कि पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट फाइव के बीच में कहीं कहीं होता है तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑर्गेनिजम एसोसिएटेड विद सरफेस फिल्म जो सरफेस फिल्म है तो नेक्टॉन नहीं हो सकता नेक्टॉन तो स्विमर्स होते हैं तो नेक्टॉन नहीं होगा न्यूस्ट्रॉन फिल्म ये सरफेस से अटैच रहते हैं तो ये लग सकता है बॉटम में होते हैं और अगर प्लेटोन की बात करेंगे दैट इज माइक्रो तो बी इज द करेक्ट ऑन न्यूस्ट्रॉन न्यूस्ट्रॉन मीन एयर वाटर इंटरफेस पर आते हैं जो वाटर की फिल्म सर्फेस फिल्म पर क्लिंग करते हैं स्ट्रिक्ट रहते हैं तो बी इज द करेक्ट आंसर द ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड लिविंग इन और

एक्विटिक इकोसिस्टम सी रिवर पॉइंट्स एंड लेक्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट एंड डिपेंड ऑन वाटर करंट फॉर मूवमेंट अब यह क्या है वाटर करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं तो अब ये देखिए जरा माइक्रो ऑर्गेनिजम जैसे ही आता है आप सीधा कह सकते हैं प्लैंगटॉन प्लैंक्टॉन इज द राइट आंसर पेरीफाइटोन नहीं हो सकता पेरीफाइटोन क्यों क्योंकि क्लिंग टू द रूट्स एंड स्टेम्स होते हैं न्यू स्टोन नहीं हो सकता एयर वाटर इंटरफेस पर होते हैं बेंथोस बॉटम में होते हैं प्लैंगटॉन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम सीधा माइक्रो ऑर्गेजम देते ही सीधा कह सकते हैं डी इज अ करेक्ट आंसर प्लांट्स और एनिमल्स दैट क्लिंग टू द रूटेड वाटर प्लांट्स अब अब देखो आ, जो क्लिंग टू द रूट वाटर अब क्लिंग जो करते हैं वो पेरीफाइटोन होते हैं, हैं उसमें लटके रहते हैं रूटेड वाटर तो इसमें पेरीफाइटोन राइट आंसर लग रहा है न्यूट्रॉन नहीं हो सकता वो तो एयर वाटर इंटरफेस पर होते हैं बेंथोस बॉटम पर होते हैं प्लैक्टोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक और लेनिस और काम काम शांत वाला तो जो एग्जामिनेशन में आएगा ये तो लेंटिक देंगे या बेसिन सीरीज ऑफ इको ठीक है ये देंगे शांत काम वगैरह वर्ड नहीं देंगे इस एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक और बेसिन सीरीज इको सिस्टम इज लेकूल स्वैंप से ऑल ऑफ तो देखो लेक भी शांत होती है पूल भी शांत है कहीं मूवमेंट नहीं होती है उसमें ज्यादा पानी की स्वैंप भी शांत है दलदल एरिया वो भी शांत है तो ऑल ऑफ द दज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में आता है एग्जाम्पल्स ऑफ लॉटिक और वर्स्ट और चैनल सीरीज अब इसमें रिवर भी आता है स्ट्रीम चलती है स्प्रिंग्स भी आता है कई बार इसमें ब्रुक्स भी दे देते दे, हैं ब्रुक्स छोटी नदी वो भी दे देंगे तो यहां पर अगर तीनों आ रहे हैं और फोर्थ इज द राइट आंसर ऑल ऑफ तीनों आते हैं जो तीनों आ, चैनल सिस्टम है चलने वाले हैं लॉकटक लेक इज प्रेजेंट इन अब ये देखिए अगर आप स्पेशल केस देखेंगे उस चैप्टर के अंदर तो उसमें देर रखा लॉकटक लेक के बारे में तो प्रेजेंट इन चाइना भूटान और इंडिया और रशिया तो लॉकटक लेक इज प्रेजेंट इन इंडिया मणिपुर में है नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो लॉकटक लेक इज प्रेजेंट इन इंडिया सी इज द करेक्ट आंसर

कोस्टल वेटलैंड और रिमोट रिमोट वेटलैंड वेटलैंड कुछ नहीं होता रिमोट वेटलैंड आउटलैंड नहीं हो सकता तो बी इज द करेक्ट आंसर इनलैंड वेटलैंड एंड कोस्टल वेटलैंड नेक्स्ट में आता है एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वेटलैंड इनलैंड वेटलैंड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं देखो बॉक्स एंड स्वयं जो रुका हुआ पानी है बॉक्स एंड स्वयं यस हो सकता है मैनग्रुव फॉरेस्ट तो आउटलैंड वाले में आता है ये नहीं हो सकता रिवर नहीं हो सकता तो नन ऑफ दी अब क्योंकि हमने पहले ऑप्शन दे दिया है एंड सो का इज द करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे बॉक्स एंड स्वयं ट्वेंटी एट का ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट में आता है एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल वेटलैंडल वेटलैंड में रिवर नहीं हो सकता बॉक्स एंड स्वयं दलदलता मैनग्रुव फॉरेस्ट और सॉरी ओशियन और फोर्थ इज मैनग्रूव स्वयं तो मैनग्रुव स्वयं और मैनग्रुव फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल वेटलैंड एरिया सो डी इज द करेक्ट आंसर द एवरेज सॉल्ट कंटेंट सी वॉटर के सी वॉटर में जो एवरेज सोल्ट कंटेंट है वो कितना होता है एवरेज सोल्ट कंटेंट इन सी वॉटर सी वॉटर एवरेज ट्वेंटी सेवन परसेंट भी नहीं होता इतना ज्यादा भी नहीं है ठीक है और थर्टी परसेंट थ्री पॉइंट फाइव इज सी सोल्ट कंटेंट इन सी वॉटर सो बी इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दोटल सोल्ट कंटेंट इन सी वॉटर द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इन सी वाटर के जब जो टोटल को हम कहते हैं 3.5 को 100 में माने लें तो उसमें कितना सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड है तो वो 27% परसेंट होता है तो 3.5 नहीं हो सकता 30 नहीं हो सकता 27 सेवन यस फाइव परसेंट नहीं तो सी इज द करेक्ट आंसर टेम्परेचर ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रेंजिंग फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी नहीं हो सकता टू डिग्री टू थर्टी डिग्री यस ये रखता है ऑलवेज लेस देन ट्वेंटी फाइव नहीं हो सकती जीरो से ट्वेंटी फाइव नहीं सो बी इज आ कि टू डिग्री से थर्टी टू डिग्री और मोर ये हो सकता है द जोन विच फॉर्म द बेसिन और द फ्लोर ऑफ दी ओशन हमने बताया था जहां भी बेसिन फ्लोर है, वो जोन है, बें, जोन होता है तो रिगार्डर्स ऑफ द डेप्थ इज कॉल्ड बैंथिकल और नैरेटिक पेलेजिक नहीं हो सकता ठीक है वो तो आ, उसको भरते हैं पानी से लिटोरल हो सकता है वो, वो वाला रीजन है कोस्टल रीजन कोस्टल सी बीच वाला रीजन है नरेटिक होने इसमें स्विमर्स आते हैं तो जो डेप्थ को यानी कि बेसिन को भरता है दैट इज य जोन तो ए इज द करेक्ट आंसर जोन विच रिप्रजेंट द फ्री वॉटर जो फिलिंग जो फिलका है, तो है, है, है जहां पर स्विमर्स, स्विमर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका पैलेजिक जोन है यहाँ पर फ्री वाटर जोन है फिलिंग द बेसिन द शोर रीजन ऑफ द मेराइन इकोसिस्टम विच इज सब्जेक्टेड टू वायलेंस ऑफ वेव एंड टाइट फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर लेवल एंड वेरेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर लाइट सेलिडिटी एंड मॉइस्चर ऑफ दी मॉस्चर आर कॉल्ड अब सीधी सी बात है ये शोर रीजन जैसे ही आ जाता है तो सीधा लिटोरल जोन ही आएगा तो बैटर नैलेटिक जोन में ओशंस स्विमर्स आते हैं तो ये नहीं हो सकता लिटोरल जोन यस यही ये रीजन लग रहा है पैलेजिक जोन नहीं हो सकता यहाँ पर भी आ, पानी भरने वाला जो रीजन है वो है और बैंथिक जोन नहीं हो सकता बॉटम में तो बी इज द करेक्ट आंसर सुप्रा लिटरल जोन इन ओशियंस इज टर्मड एज अब देखो लिटरल जोन जहां पे भी आता है चाहे सुप्रा लिटरल हो बीच वाला ही है तो बीच वाला ए इज द करेक्ट आंसर पेलेजिक जोन नहीं हो सकता बेंथिक नहीं हो सकता बॉटम का है ठीक है और 90% ऑफ द सरफेस वाटर जो है वो पेलेजिक जोन में और नन ऑफ दी आवर नहीं तो सुप्रा लिटरल जोन में ए इज द करेक्ट आंसर बीच द रिलेटिवली शैलो कोस्टल जोन इन ओशियन व्हिच इज रिच इन स्पीशीज एंड हाई रिप्रोडक्टिविटी owing to the factors such as penetration of light to considerable depth and high concentrated nutrients are called ab jo ye shallow region hai maine bhi bataya tha neritic ocean wala neritic wala jahan par swimmers exist karte hain wo bahut productive hai yahan pe whale theek hai sea sea lion sare bahut sare element oh janwar milte hain jo ki jiska commercial use hota hai तो लिटरल जोन तो coastal area बीच वाला area नहीं हो सकता neritic zone yes this is right pelagic zone नहीं हो सकता benthic नहीं हो सकता bottom वाला ठीक है तो B is the correct answer In which region of the ocean, the ocean मोस्ट कमर्शियल स्पीसीज ऑफ फिश वेल दिज देस सी ऑटर्स सी स्नेक्स एंड लार्ज स्वीड्स आर फाउंड तो एकदम देखते बता देंगे कि ये कौन से नैरेटिक क्वेश्चन में आता है ऊपर में तीनों में से किसी में नहीं आएगा तो नेरेटिक जोन में आते डी इज द करेक्ट आंसर

सी श्रिप्स ये भी मिलते हैं इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी इन ग्रासलैंड इको सिस्टम रेनफॉल ग्रासलैंड इको सिस्टम कहां होता है कितना रेंज रेंज होता है पच्चीस सेवेंटी फाइव ट्वेंटी सेंटीमीटर पर ईयर तो सी इज द करेक्ट आंसर बाकी इसमें कोई नहीं है देखने की जरूरत ही नहीं ज्यादा थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीक्यू यूनिट थी मेजर इको सिस्टम एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू वेरी मच